अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पहले बोला था कि हम ऑनलाइन एकेडमी शुरू कर रहे हैं, फ्री ऑनलाइन एकेडमी आप दोस्तों के लिए जो PMA 144 में अप्लाई कर रहे हैं। अब सबसे पहले आपको क्या है, जब आप PMA में जाएंगे तो उसके लिए आपको इनिशियल टेस्ट देना पड़ेगा। तो जो हम अभी तैयारी करवा रहे हैं वो हम करवा रहे हैं इनिशियल टेस्ट की। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनिशियल टेस्ट में क्या आता है, उसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा। हम इसको क्लास बाय क्लास पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पहली क्लास है तो आज सिर्फ और सिर्फ इंशाल्लाह हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन फ्रेंड पूरी वीडियो देखना, ये आपके इंतहाई फायदे के लिए है। अब सबसे पहले बात करेंगे इनिशियल टेस्ट में आता क्या है। वो आपको भी पता है कि इनिशियल टेस्ट में तीन चीजें आती है। उन तीन चीजों में जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है आपकी वर्बल टेस्ट होता है, और जो उसमें दूसरी चीज होती है वो होता है आपका नॉन वर्बल, और जो लास्ट चीज होती है वो होता है आपका एकेडमिक में। वो होता है आखिरी आपका एकेडमिक। अब फ्रेंड्स, आपको वहां पर वर्बल के आपको 96 क्वेश्चन मिलेंगे, 96 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपको 30 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे। एंड इसी तरह नॉन वर्बल के भी आपको 96 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको 30 मिनट में सॉल्व करने। अब इसमें थोड़ा सा चेंज होगा एकेडमिक में। एकेडमिक में आपको जो है 50 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके भी आपको 30 मिनट होंगे। अब जो आज की वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि वर्बल के अंदर क्या चीजें आती है, नॉन वर्बल के अंदर क्या चीजें आती है, एंड देन एकेडमिक के अंदर क्या चीजें आती हैं। तो आज हम उस चीज में उस बारे में आप बात करने जा रहे हैं कि उनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे ये इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। अभी जो मेन चीज है वो मैं बताऊंगा आपको कि वर्बल के अंदर क्या चीज आता है। सबसे पहले हम वर्बल को क्लियर करेंगे, उसके बाद नॉन वर्बल को, फिर उसके बाद एकेडमिक को, यानी इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम वर्बल के टॉपिक्स में आपको बताऊंगा कि वर्बल में कौन से टॉपिक आते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे वर्बल टेस्ट। अब इसके जो टॉपिक है वो थोड़े से ज्यादा है, आई थिंक 19 टॉपिक है जो हमने कंक्लूड किए, जो हमने इसमें आपको बताने, वो 19 टॉपिक है। इसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है। टॉपिक मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं वो है कि वर्बल टेस्ट के अंदर जो पहला टॉपिक आता है वो आता है आपका कंप्लीशन ऑफ सीरीज। जी बिल्कुल, कंप्लीशन ऑफ सीरीज इसका पहला टॉपिक है जो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। और जो दूसरा टॉपिक है इसका वो है आपका रिलेशनशिप, और इसको हम एनालॉजी भी बोलते हैं। आपने सुना होगा कि एनालॉजी क्या है, वो रिलेशनशिप को ही बोलते हैं, तो इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब जो इसके अंदर तीसरा टॉपिक है, उस तीसरे टॉपिक में आपको मिलेगा साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये इंग्लिश का टॉपिक है, ठीक है, साइनोनिम एंड एंटोनिम्स, इसको भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अब जो चौथा है वो है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये अगर आप भी लिख लें तो बेहतर होगा, क्योंकि समझने में आपको इजी हो जाएगा कि जो जो टॉपिक हमने पढ़ने और उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये चार हो गया, और नंबर जो पांचवा है वो है जंबल वर्ड। जंबल स्पेलिंग वर्ड भी बोल सकते हैं इसको। मैं इसको रफ कर लूं, अभी जो छठा टॉपिक है हमारे पास वो है ब्लड रिलेशनशिप। अभी छठा हमारे पास टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशनशिप। सिक्स लिखेंगे ब्लड रिलेशनशिप, यानी खूनी रिश्ते। इसके क्वेश्चंस भी आपको वर्बल के अंदर नजर आएंगे, तो इनको किस तरह सॉल्व करना है वो भी इंशाल्लाह हम आप पढ़ेंगे। अब जो सातवां नंबर है वो है वर्ड बिल्डिंग।
ये आप नोट करें तो बेहतर होगा। एंड जो आठवां नंबर है वो है आपका लेटर सीरीज। पहले हमने कंप्लीशन ऑफ सीरीज पढ़ा था, वो नंबर्स में होती है, अब जो लेटर सीरीज होगा वो अल्फाबेट्स में होगा। जो नंबर 9 है वो है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट। अब ये भी नंबर के ऊपर है, ये टेस्ट होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट। अब जो दसवां नंबर है वो है आपका परसेंटेज। जी बिल्कुल, परसेंटेज के क्वेश्चन इस बार आए थे, 143 में भी आए थे। 90% उन्होंने पूछा था कि 90% क्या होगी। ठीक है, अब ये हो गए हमारे पास 10। अभी बाकी हमारे पास 9 टॉपिक बचे हैं, वो कौन से हैं तो वो भी मैं लिख रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। ये 10 टॉपिक जी हो गए हमारे। अब जो हमारा 11वां टॉपिक है, जो हमारा 11वां टॉपिक है वो है बल्क प्रॉब्लम। यानी वर्क प्रॉब्लम में क्या होता है कि इतने मजदूर हैं तो वो इतना काम इतने दिनों में करते हैं, देन टोटल काम कितने दिनों में होगा, या एक बंदा इतना काम कितने दिनों में करेगा, उस तरह क्वेश्चन इस टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अब जो 12वां है आप हमारे पास वो है रेशो। जी रेशो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड जो 13वां नंबर है वो है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉरी डिस्टेंस प्रॉब्लम। अब डिस्टेंस प्रॉब्लम में क्या होता है कि एक गाड़ी इतनी स्पीड से जा रही है तो कितने मिनटों में वहां पहुंचेगी, या एक बंदा स्पीड इतने स्पीड से चल रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा उस डिस्टेंस पर पहुंचने के लिए, तो उसमें ये डिस्टेंस प्रॉब्लम आती है, वो इसके अंदर वो क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। अब जो ये आ जाएगा ये आपके 13 हो गए। अब जो आ जाएगा 14वां नंबर वो हमारा कॉमन सेंस टेस्ट। जी बिल्कुल, कॉमन सेंस भी आपको पता है कि इंपॉर्टेंट ही है आर्मी के लिए। आर्मियां कहीं भी टेस्ट दें वहां के लिए कॉमन सेंस के क्वेश्चन ज्यादातर आते रहते हैं, तो आपको कॉमन सेंस को भी क्लियर करना है। अब जो 15वां नंबर है वो है आपका प्रॉब्लम ऑफ एज। अब प्रॉब्लम ऑफ एज में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम ऑफ एज में अगर क्वेश्चन आ जाएगा आपका जो दोस्त है वो आज से 10 साल पहले उसकी उम्र इतनी थी, यानी आज आपको जो दोस्त है उसकी 10 साल पहले उम्र डबल थी, 30 की डबल थी, और अभी उसकी उम्र क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम ऑफ एज में मिलेंगे। अभी देन जो 16 है वो है आपका डायरेक्शन टेस्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए, डायरेक्शन टेस्ट। अब इसमें क्या होता है डायरेक्शन टेस्ट में कि आपसे पूछा जाएगा कि अगर हम चार किलोमीटर ईस्ट की जानब चलते हैं, फिर 5 किलोमीटर वेस्ट चलते हैं, फिर 3 किलोमीटर इधर जाते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, या टोटल इसने एक बंदे ने कितना डिस्टेंस कितना कवर किया है, या उसका फेस किस तरफ होगा, तो हमने वो बताना है। अभी हमारे 16 हो गए, बाकी 3 टॉपिक हमारे बचे वर्बल के। वर्बल के हमारे पास बाकी 3 टॉपिक बचे, उसके बाद हम नॉन वर्बल की तरफ आएंगे। अब इसके अंदर क्या है जो आखिरी है 17वां नंबर जो है, 16 हो गए, ये 17वां नंबर, इसके अंदर क्या है, 17वें नंबर के अंदर हमारा कंपैरिजन ऑफ रैंकिंग टेस्ट। कंपैरिजन ऑफ रैंकिंग टेस्ट में क्या होगा कि बताएगा कि एक बच्चे ने इतने नंबर लिए और दूसरे ने इतने नंबर लिए और तीसरा बच्चा इतने नंबरों से रह गया, अब बताएं कि इन तीनों में से किसने ज्यादा नंबर लिए या इन तीनों में से किसने कम नंबर लिए, तो वो आएगा हमारा रैंकिंग टेस्ट में। ठीक है, अब जो हमारा 18वां है, जो सेकेंड लास्ट है, वो है हमारा क्लासिफिकेशन टेस्ट।
क्लासिफिकेशन टेस्ट एंड जो हमारा 19 है वो है हमारा टाइम सीक्वेंस टेस्ट। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट है, टाइम सीक्वेंस मीन के आज जुमरात है, आज से आज एक पहले आज 3 तारीख है और आज जुमरात है, 15 तारीख को कौन सा दिन आएगा, 15 तारीख को जो दिन आएगा उसके अगले दिन कौन सा दिन होगा, तो वो हमारा टाइम सीक्वेंस टेस्ट में आएगा। एंड जो हमारा आखिरी टॉपिक है 20 वो है हमारा ऑड मैन आउट। इस टॉपिक को हमने इसलिए लास्ट में रखा है क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है। अब फ्रेंड्स ये हमारे हो गए 20 टॉपिक्स। अब इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम हर वीडियो में 2 से 3 टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। देन फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप इस वीडियोस को मत छोड़ना क्योंकि ये आपको हम फ्री में आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, कोई फीस वगैरह नहीं है, सिर्फ आपको वॉचिंग करनी है एंड घर में प्रैक्टिस कीजिएगा जो हम इंशाल्लाह आपको टॉपिक समझाएंगे। अभी हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया वर्बल का, अभी हम बात करते हैं नॉन वर्बल के अंदर क्या चीज आती है। इसको रफ कर लें, इसको भी हम बता दें तो बेहतर ही होगा। अभी जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है नॉन वर्बल टेस्ट। अब नॉन वर्बल टेस्ट के अंदर क्या चीज आती है हमने वो देखना होता है, ठीक है। नॉन वर्बल के अंदर क्या आता है, अब उसके अंदर जो सबसे पहली चीज आती है वो होती है आपकी एनालॉजी। अब ये एनालॉजी वर्बल की एनालॉजी से थोड़ी डिफरेंट होगी, वो कैसे डिफरेंट होगी हम आपको समझाएंगे। और जो दूसरी चीज है वो है इसमें क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन भी उससे थोड़ी सी डिफरेंट है वर्बल से। अब जो तीसरी है वो है आपकी सीरीज। बेसिकली नॉन वर्बल में क्या होता है कि आपको फिगर्स वगैरह मिली होती है, ज्यादातर नॉन वर्बल जो है वो फिगर्स के ऊपर मोहित होता है, तो वर्बल से ये इसलिए डिफरेंट होता है। जो वर्बल है उसमें आपके रिटर्न में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, जो नॉन वर्बल है वो आपका फिगर्स वगैरह बन के आती है, तो उसको भी इंशाल्लाह आगे सीखेंगे। जैसे हम वर्बल को कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम नॉन वर्बल को पढ़ेंगे। देन फ्रेंड इसके 3 टॉपिक है, अब इन 3 टॉपिक को इंशाल्लाह कवर करेंगे। अब जो हमारा आखिरी है वो है एकेडमिक टेस्ट। अब एकेडमिक टेस्ट के अंदर क्या चीज आती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। टॉपिक है एंड लास्ट जो है वो है एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट इसके अंदर क्या चीज आती है वो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं। एकेडमिक टेस्ट में जो पहला पॉइंट होता है वो होती है जर्नल नॉलेज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीके लिखेंगे, यानी जर्नल नॉलेज। जनरल नॉलेज में क्या चीज आ गया, आपके कैपिटल्स आ गए, आपके हाईएस्ट लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट टॉलेस्ट इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें, एंड कंट्रीज के कैपिटल वगैरह आते हैं, करेंसी आती है एंड फैक्ट्स आते हैं दुनिया के। देन ये आपको जीके में वो सारा कंक्लूड होकर आपको जीके में मिलेगा। एंड जो दूसरा इसका पॉइंट है वो है पाकिस्तान स्टडीज। पाकिस्तान स्टडीज आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाकिस्तान स्टडीज आप जो इंटर में पाकिस्तान स्टडीज पढ़ के आते हैं इसको आप इस तरह से पढ़िए कि आपको हर चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल सिचुएशन का आपको पता हो, पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल शेप क्या है, एंड उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का वेदर किस तरह का है, पाकिस्तान में क्या चीज खाई जाती है, क्या चीज यहाँ की जो नेशनल है, एंड उसके बाद पाकिस्तान के अंदर क्या सियासतदान है, आइन कितने पाकिस्तान के अंदर, कितने मार्शल लॉ लगे, इस तरह की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आती है हमारी पाकिस्तान स्टडीज में। अब जो तीसरा टॉपिक है वो है हमारा इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। इस्लामिक स्टडीज, अब इस्लामिक स्टडीज में तो आपको पता है क्या आएगा कि इस्लाम के बारे में आएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आएगा, सहाबा कराम के बारे में आएगा, और सहाबा कराम के बारे में, उसके बाद इस्लाम की जो हुक्मरान उनके बारे में आएगा, इस्लाम की तारीख के बारे में ज्यादातर इसमें क्वेश्चन आते हैं। एंड जो चौथी चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह की ये सारे इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब चौथी चीज क्या है, वो चौथी चीज है करंट अफेयर। जी फ्रेंड्स आपको करंट अफेयर्स का पता होना चाहिए।
आपको करंट अफेयर्स का पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में आजकल क्या हो रहा है, किसकी गवर्नमेंट है इस वक्त, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इस वक्त, इंटीरियर मिनिस्टर कौन है इस वक्त, जो है वजीर दाखला कौन है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एकेडमिक में मिल सकते हैं पीएमए 144 में। फ्रेंड ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वर्बल के शुरू वाले 3 या 2 टॉपिक लेंगे, अगर वो लेंथी होंगे तो 2 लेंगे, अगर शॉर्ट होंगे तो 3 लेंगे। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता तमाम वर्बल को, नॉन वर्बल को एंड देन अकेडमिक को कम्प्लीट करा के आपकी इनिशियल की तैयारी करवाएंगे। देन फ्रेंड्स अपने दोस्त जहांजेब खान को दीजिए इजाज़त, अपना अपनी फैमिली का इंसानियत का ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।